अरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बिहार LRC क्लर्क 2023 का जो है एग्ज़ाम BCC बोर्ड कंडक्ट करवा रही है। जैसा कि पता है कि चार सेंटर का जो है एग्ज़ाम आपका जो है पूरे 17 अगस्त तक जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो जो भी लोग चार सेंटर पे, जिनका भी सेंटर आ रहा है, उनका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, उनको या तो उनको मैसेज आ रहा है, और वो जब डाउनलोड करने जा रहे हैं एडमिट कार्ड तो लिख रहा होगा कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीज़न आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब सभी का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया गया है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिनका इस तरीके की चीज़ें दिखा रही है, या आप जिनके भी दोस्त को इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं, वो अपने दोस्तों को सिंपल बोलिए कि एग्ज़ाम जो है आपका उस सेंटर पर पड़ा होगा जो चार सेंटर को कैंसिल किया गया है उस पर, ठीक है। इसलिए इस तरीके की चीज़ें जो है दिखाई जा रही है, इसलिए अफवाहों से दूर रहें कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया है। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा, ओके। तो आज जो है आपका 7 अगस्त है, 7 अगस्त का कुछ क्वेश्चन जो है मेरे पास शेयर किए गए हैं जो कि मेमोरी बेस्ड हैं, तो मैं रियल ही इसको कहूँगा क्योंकि लोगों ने इसे जो है शेयर किया है। आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, प्लस अगर पॉसिबल हो तो हमें व्हाट्सएप भी शेयर, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन ज़रूर शेयर करेंगे। और एग्ज़ाम पेपर कैसा रहा और सभी लोग कितने क्वेश्चन अटेंड किए, एक एवरेज जो स्टूडेंट थे वो कितने क्वेश्चन अटेंड किए, वो भी जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का क्वेश्चन का लिस्ट यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया है। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7488414543, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको याद आते हैं क्वेश्चंस, या आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चंस और ऐड होनी चाहिए, तो आप हमें ज़रूर शेयर करेंगे। डेफिनेटली आपकी क्वेश्चंस को ऐड करके और लोगों तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है इस तरीके के चीज़ों की। तो लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन जाएगा तभी लोगों को पता चल पाएगा, एक आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन भेजा गया था उसमें पहला क्वेश्चन है कि NARCL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये डिपेंड, देखो ये फॉर्मूले जो हैं या फुल फॉर्म जो है ये आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये आपका डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन क्या है। हो सकता है कि ये ऑप्शन में ना हो, जो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म बताया ये ऑप्शन में ना हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भेजा गया है कि NARCL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म मैंने बता दिया। बाकी और जो भी होंगे इससे रिलेटेड आप फुल फॉर्म देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि परसेंटेज ऑफ फ्लावर इन इंडिया, इंडिया में जो परसेंटेज ऑफ फ्लावर है वो कितना है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इंडिया में जो फ्लावर की परसेंटेज है वो 6% है। पूरे वर्ल्ड का 6% फ्लावर जो है इंडिया में, या फ्लावरिंग प्लांट आपका इंडिया में है, ठीक। उसके बाद एक था क्वेश्चन कि खेड़ा, तो देखो खेड़ा जो है ये गुजरात का एक सिटी है जहाँ पे आपका जो हमारे प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जन्म जो है वहाँ पे हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है ना बॉर्न हुआ था। और ये जो शहर है इसमें तंबाकू का फार्मिंग के लिए भी जो है ये फेमस है। कुछ बॉक्सर्स के नाम से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखो इंडिया में अगर बात किया जाए तो मैरी कॉम, विजेंदर सिंह, सरिता देवी, ये बिहार के हैं, सॉरी इंडिया के लेवल के हैं। वही अगर आप पूरे वर्ल्ड के में बात किया जाए तो मोहम्मद अली, गॉर्ज फॉरमैन, माइक टाइसन, ये भी जो है आपके बॉक्सर हैं। तो बॉक्सर के नाम से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था वो मुझे नहीं पता, बस बॉक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए कुछ बॉक्सर का नाम मैंने यहाँ पे जो है डाल दिया है, जो मुझे लगा कि हो सकता है कि आपके लिए पूछा गया हो। उसके बाद पूछा गया था नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया अगर बात किया जाए तो वो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ऐसे सेंट्रल रीजन में भी आ जाता है। नॉर्थ वेस्ट अगर बात किया जाए इंडिया का, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान कंट्री में आता है। चाइना, नेपाल और भूटान जो है नॉर्थ में आता है। वही अगर म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में बात किया जाए तो ये ईस्ट डायरेक्शन में आपका आता है। देखो रीजनिंग से जो क्वेश्चंस थे, वो सीटिंग अरेंजमेंट के थे, ब्लड रिलेशंस, सीरीज और भी कुछ टॉपिक जो बेसिक क्वेश्चन था, वेन डायग्राम भी जो है आपका क्वेश्चंस जो है देखने को मिला था। तो देखो ये क्वेश्चन जो है मेजोरिटी क्वेश्चन जो है इससे देखने को मिल रहे हैं एग्ज़ाम में, जो कि मेरे पास जितने क्वेश्चंस आए हैं उसमें से मैं अपडेट आपको बता रहा हूँ। और मैथ्स में जो है प्रॉफिट लॉस रेशियो मिक्सचर्स है ना, इंटरेस्ट वगैरह से जो है रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको जो है समझ में आ रहा हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन बात किया जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। देखो मैं 5 तारीख को भी एनालिसिस किया था, 6 तारीख को भी और आज भी कर रहा हूँ। पर डे यहाँ पे जो है क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में जो है करेंट अफेयर्स देखने को मिल ही रहा है और हर बार ये जो है मेरे पास अपडेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था कि बिहार से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, बट जो एग्ज़ाम दिए हैं रियलिटी वही बता सकते हैं और उन्होंने ही ये चीज़ें जो है शेयर किया है। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या जानते हैं, वो आप हमें ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, तो 7488414543 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है हमें शेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ताकि और लोगों तक इस चीज़ को जो है शेयर किया जा सके और लोग इसे देखकर अपनी जो तैयारी है वो और बेटर कर सकें। क्योंकि मेरा मकसद है कि लोगों को बेटर से बेटर और कंटेंट दिया जाए, ताकि वो अपने एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट करके आएँ। अब बात किया जाए आज के एग्ज़ाम में जो एवरेज जो स्टूडेंट क्वेश्चन अटेंड किए हैं, वो एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एवरेज जो क्वेश्चंस अटेंड किया गया है वो 100 से लेकर 120 क्वेश्चन जो है एवरेजली अटेंड किया गया है। तो अभी 3 दिन ही एग्ज़ाम हुआ है, 5, 6 और 7। तो जैसे ही एग्ज़ाम पूरे ख़त्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं एक फाइनल एनालिसिस करूँगा कि कितने क्वेश्चन पे, कितने मार्क्स पे आपका जो है कट ऑफ जा सकता है, ताकि आपको वो चीज़ें जो है समझ में आ सके और वो उसे आप डेफिनेटली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपका जो है हो सके कि हाँ आपका एग्ज़ाम में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितना रैंक आएगा, क्या होगा, ये चीज़ें। तो ये एवरेज मैंने बता दिया, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए इससे होता क्या है, वीडियोज़ तो आपके लिए फ्री है, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।